हेलो एवरीवन, वेलकम टू विजन जे आर। सबसे पहले तो आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है, आपके एग्ज़ाम हैं। जून वाली जो साइकिल है वो अवर हो चुकी हैं, आप सबके एग्ज़ाम हो चुके हैं। अब सबसे बड़ा प्रश्न है कि सर, रिजल्ट कब आएगा, आंसर की कब आएगी, रेस्पॉन्स शीट कब आएगी। सो गाइस, पिछला ट्रेंड हम देखें, यानी पिछला जो आपका फेब का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें हम ट्रेंड देखें तो आपका जब लास्ट एग्ज़ाम होता है, यानी कि जैसे इस बार हम देखें तो 22 जून को आपका लास्ट एग्ज़ाम था। तो 22 जून के एग्जाम के एक वीक बाद, एक वीक के अंदर अंदर, बाद नहीं, एक वीक के अंदर अंदर, मतलब कि अगर 22 को आपके एग्जाम खत्म हुए तो आप मान के चलिए कि 28 से 30 के बीच में आपकी जो रेस्पॉन्स शीट है, आपकी जो आंसर की है वो आपकी जारी कर दी जाएगी। प्रोविजनल आंसर की है वो आपकी जारी कर दी जाएगी, और फिर जो फाइनल आंसर की है वो आपका रिजल्ट के साथ में ही आता है, आपको पता है। जैसा कि वो रिजल्ट कब आता है, पिछली साइकिल को हम देखें, पिछले ट्रेंड को हम देखें, तो आपका जो रिजल्ट है वो जो प्रोविजनल आंसर की है उसके करीबन 8 से 9 दिन में, या 10 दिन मान के चलिए, उसके अंदर अंदर आपका फाइनल रिजल्ट है वो जारी कर दिया था। तो इस बार हम देखिए तो 22 को हमारे एग्जाम हुए हैं, 28 से 30 के बीच में आपकी जो प्रोविजनल आंसर की है वो जारी करने के पूरे पूरे चांसेस हैं। फिर मान के चलिए कि आप 7 से लेके और 10 के बीच में आपका रिजल्ट है, फाइनल रिजल्ट है, वो कभी भी जारी हो सकता है। ये पिछले ट्रेंड के आधार पर हम अनुमान लगा सकते हैं, और क्योंकि एनटीए है वो अभी काफ़ी फास्ट है अपने प्रोसीजर को लेके, टाइम टू टाइम सारी चीज़ें आपके लिए कर रहा है, तो उम्मीद है कि ये प्रोसीजर भी आपका टाइमली ही होगा। अब दोस्तों, बात करते हैं कि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो स्टिल थोड़े से डिलेमा में हैं कि सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, या कुछ लोग को क्लियर भी हो चुका है कि इस बार तो नहीं होने वाला, तो अब किया क्या जाए। तो उसके लिए दोस्तों हम ये कर सकते हैं कि अभी देखो, बैठे रहने से कोई फ़ायदा नहीं है। अभी अपने पास में टारगेट ऑलरेडी है, दिसंबर वाला टारगेट है, यानी दिसंबर में आपका एग्जाम होना तय है, ये आप मान के चलिए, इसमें कोई डिले नहीं होने वाला। तो जो भी स्टूडेंट सपना देख रहा है जेआरएफ का, असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का, तो आप सब लोग अभी से दिसंबर वाले एग्जाम के लिए तैयारी कीजिएगा इस, क्योंकि एटलीस्ट 6 मंथ की तैयारी आपको चाहिए। अगर लेटेस्ट पैटर्न आप देखेंगे, अभी वाला जो पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग हमें 6 मंथ की तैयारी चाहिए ही चाहिए। तो जितने भी स्टूडेंट करना चाहते हैं मन से तैयारी, तो आप सब लोगों के लिए दोस्तों जीआरएफ अड्डा ऐप पर कंप्लीट कोर्स आपका आ चुका है। हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं उनको मैं पढ़ा रहा हूँ, कंप्लीट हिस्ट्री कोर्स आपको करवाऊंगा। पेपर 1 प्लस पेपर 2 दोनों आपको मिलेंगे। हिस्ट्री की टेस्ट सीरीज, नोट्स, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, सारी चीज आपको इस जीआरएफ अड्डा ऐप पर मिल जाएंगी। तो वन स्टॉप सॉल्यूशन है आपके लिए जीआरएफ अड्डा ऐप, इसको डाउनलोड कर लीजिए। इसके अलावा दोस्तों, आपका जो नया बैच है वो हम 1 जुलाई से आपकी क्लासेस हैं प्रॉपर स्टार्ट हो जाएंगी, और साथ में दोस्तों आपके रजिस्ट्रेशन वो स्टार्ट हो चुके हैं, प्राइस हाइक आपका होने वाला है। तो प्राइस हाइक से पहले आप अपना जो एनरोलमेंट है उसको करवा लीजिए, क्योंकि प्राइस बढ़ेंगे तो आपके लिए थोड़ा सा इकोनॉमिकली बर्डन होगा। अभी आपको टेस्ट सीरीज भी मिल रही है उसी प्राइसेस में, कोर्स भी मिल रहा है, तो अभी आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा लो, क्लासेस आपकी जल्दी स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। प्रॉपर आपकी क्लासेस, पूरा कंप्लीट कोर्स आपको मिल जाएगा यहाँ पे, टेस्ट सीरीज, नोट्स, एवरीथिंग। तो बिल्कुल देर मत करो, और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है विजन जीआरएफ को, तो जल्दी से आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि यहां से आपको लेटेस्ट अपडेट्स, एवरीथिंग यहां से, सारी की सारी चीजें हैं जो मिलती रहेंगी गाइस। कोई डाउट हो, कुछ भी पूछना हो, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, उसका आंसर मैं आपको कमेंट में दे दूंगा। थैंक यू सो मच एवरीवन, है ना, एंड कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग।